वजीरपुर के हिंदौन गंगापुर रोड पर प्रशासन की सूचना के बाद से ही अतिक्रमण हटने लग गया है। मेन रोड के चौड़े होने की खबरों के साथ ही यह सूचना मिलने लगी थी कि रोड के आसपास स्थायी एवं अस्थायी सभी प्रकार का अतिक्रमण हटाया जाएगा। सोमवार को एसडीएम सुनीता यादव ने आरएसआरटीसी द्वारा लाल स्याही से चिन्हित जगह तक अतिक्रमण हटाने के आदेश की सूचना चस्पा कर दी गई, जिसके बाद से ही सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों के आगे से अस्थायी अतिक्रमण को हटाने में लगे हुए हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की अवधि का समय दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 7 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उसका सारा खर्च अतिक्रमी से ही वसूल किया जाएगा एवं कुछ भी नुकसान होने की स्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी अतिक्रमी की होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर माहिर ने बताया कि कस्बे में जाम की स्थिति को देखते हुए कई बार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और रास्ता संकरा होने की वजह से बार बार रास्ता जाम होने लगता है, जिसे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर माहिर ने बताया कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने पर हमसे सहयोग की अपील की गई, जिसके हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले हमने किसी का इंतजार किए बगैर खुद के आगे का अतिक्रमण हटाया। मुक्ति मिला है, बीमार हमारे यहाँ के जाते हैं, हॉस्पिटल पहुँचने में उनको काफी टाइम होता है, देरी लग जाती है, तो अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी था। प्रशासन को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।